काफ़ी टाइम के बाद गाइस आज मैं ट्रेन से जा रहा हूँ दिल्ली, और जो ट्रेन है वो काफ़ी स्पेशल ट्रेन है अभी के टाइम पे दिल्ली के रूट पे, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे हम सफ़र एक्सप्रेस के नाम से। और बाकी दिखाते हैं ट्रेन जर्नी कैसी रहती है और अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, बाकी वो मैं जर्नी में आप लोगों को कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। काफ़ी टाइम के बाद स्टेशन को देख रहा हूँ, रात में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है स्टेशन के अंदर में। तो गाइस बने रहिएगा व्लॉग में और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो इस व्लॉग को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस अभी प्लेटफॉर्म 1 पे आ चुके हैं और इधर लगी हुई है हम सफर एक्सप्रेस। अभी लगेज वगैरह ट्रेन के अंदर रख चुके हैं, ये ट्रेन है। तो मैंने गार्ड सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर बाकी सारी ट्रेनों से ये ट्रेन अलग क्यों है, तो सर ने सिंपल से एकदम अच्छा एकदम जवाब दिया कि बाकी सारी ट्रेनों को ये ट्रेन किनारे करके चलती है। गाइस ये जो हमसफर एक्सप्रेस की जो सीरीज है ये एकदम अलग से ग्राफिकल ट्रेन है, काफ़ी गुड लुकिंग ट्रेन है, और इसमें अंदर डिस्प्लेस भी दिए होते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है, कितने किलोमीटर पे है और ऐसी कुछ डिटेल्स। और इसका जो कुशन है बर्थ का वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसा कि अभी मैं फील किया, अभी अपना लगेज अंदर ही रख के आया हूँ। क्योंकि इंडिया के अंदर में कई सारी ट्रेन्स की सीरीज चलती है, जैसे कि राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई और जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है, तो वो सारी ट्रेनों से काफ़ी अलग ट्रेन है ये। कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वॉशरूम ट्रेन का। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये मिरर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा खासा व्यू वाला मिरर जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है वॉशरूम को। और बात करूँ इसकी तो एक्चुअल में इसे ओपन करके इस पे बच्चों को बैठा के उनका डाइपर्स चेंज किया जाता है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रेनों में दिया गया है ये फैसिलिटीज़ भी, जिससे पब्लिक को कन्वीनियंस होगा जो भी ट्रेवलर्स होंगे इस हमसफर एक्सप्रेस में। बाकी बात करूं तो ये ब्लर विंडो दिया गया है वॉशरूम में, इंडियन सीट है, काफ़ी क्लीन और काफ़ी हाइजीनिक है वॉशरूम। देखते हैं कितने दिन तक ये ट्रेन ऐसी ही क्लीन रहती है, ये सब डिपेंड करता है हम सभी लोगों के ऊपर जो हम इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, इस ट्रेन में मुसाफिर हैं, इस हमसफर एक्सप्रेस में। इस ट्रेन को क्लीन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही सब लोगों की है। और ये सोप कंटेनर है, इसमें सोप है, लिक्विड सोप, और ये नल है जो कि अभी लीक कर रहा है, सॉरी ये एक्चुअली में गड़बड़ ही है, लीकेज है। बाकी ये इधर एक छोटी सी ट्यूबलाइट दी गई है, स्मोक डिटेक्टर, अगर ट्रेन में आग लग जाती है या फिर कोई स्मोक करता है ट्रेन में तो इसकी नोटिफिकेशन हो सकता है गार्ड के पास जाएगी या फिर डायरेक्ट इंजन में जाएगी। कपड़ों के हैंगर दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात कि इसमें बायो टॉयलेट लगा हुआ है, फिटेड विथ बायो टॉयलेट सिस्टम, जिससे कहीं भी ट्रेन खड़ी है तो वहाँ पे गंदगी नहीं होगी। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। वॉशरूम का एक सिनेमैटिक दिखा दूं क्या? एंड गाइस अब चलता हूं वॉशरूम के बाहर। तो गाइज अभी मॉर्निंग का ऑलमोस्ट 10 बज रहा है और अभी होटल में चेक इन कर चुके हैं, होटल यूके जो कि पहाड़गंज न्यू दिल्ली के साइड में है। आनंद विहार टर्मिनल से हम ऑटो लिए थे तो ऑटो से अभी होटल तक आए हैं, तो अभी होटल में आ चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं मैं किस लिए आया हूँ दिल्ली, पापा का ऑफिस का भी वर्क था तो वहाँ पे भी मेरे को अभी जाना है, और मेरे को जो अपने स्टार्टअप से रिलेटेड काम है उसे भी मेरे को यहाँ पे करना है। पहले ये था एक्चुअल में कि मैं पापा के ऑफिस का काम कर दूंगा, 2 दिन का समय लगेगा यहाँ पे, तो उसको करने के बाद देन फिर मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा अपना काम करने जो मेरा स्टार्टअप से रिलेटेड है। तो मैं सोचा क्यों ना लगे हाथ ही सारा काम को फाइनल कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मैं दिल्ली में 4 से 5 दिन रुकूंगा, जो कि अभी दिल्ली का भी कुछ व्लॉग आएगा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं पापा के ऑफिस, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। हो सकता है मैं वहाँ व्लॉग ना करूँ बट आप लोग को दिखा दूंगा अंदर का कुछ थोड़ा बहुत सीन।
आप साइलेंस से हैं। यार इतनी ऊंचाई से दिल्ली कैसी दिख रही है। गाइस दिस इज द 10th फ्लोर ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिस। सो गाइस फाइनली अभी ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं अपने होटल रूम में वापस और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। डिनर वगैरह बाहर से कर लिया हूँ। यहीं सामने रेस्टोरेंट था होटल के जस्ट फ्रंट में, और जो ऑफिस हम गए थे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मार्केटिंग डिवीज़न था, नॉर्दर्न रीजन का, उत्तरी क्षेत्र का, जो कि स्थित है यूसुफ सराय नई दिल्ली में। सो आई होप गाइज आप लोग को ये वाला वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा। और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो, जिस पर गौर किया जाएगा। सो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ निखिल वर्मा।